यार पंजाब आए तो पंजाब बेस्ट चीज है जो आप हाईवे के किसी भी हाईवे के पंजाब में साइड से खा सकते हो, दैट इज या पी सकते हो, दैट इज ये मिलने वाली ताजी चीजें, गुड़ हो गया, संतरे का जूस हो गया, और आगे मिक्स फ्रूट जूस भी मिलता है जिसमें कि पाइनएप्पल होता है, और मात्र 30 रुपए का ग्लास, जो हमारी सिटीज में इन्फ्लेशन की वजह से 100-100 रुपए का ग्लास पड़ता है। एंड मैं आपकी आपको क्वांटिटी भी दिखाता हूँ, एंड संतरे इतने प्यारे संतरे हैं, फ्रेश एकदम। तो दिस इज द क्वालिटी दैट यू गेट इन पंजाब, बहुत बढ़िया यार, थम्स अप को। इसी से शुरुआत करते हैं दोस्तों, जय हिंद एंड वेलकम टू द ब्लॉग ऑफ ओतेरा के। इससे पहले आपने देखा अटारी बॉर्डर एंड बीटिंग सेरेमनी ऑफ BSF व्हिच इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, one of our paramilitary forces we have and we are proud to have them, they are our brothers and sisters, the first line of defense that India have against neighboring countries hi kahenge yaar। to abhi apan pee rahe hain yahan pe santre ka juice aur fir pee ke aapko batate hain aage kya plan hai। जैसे मैं खुद एडिट कर रहा हूँ ना, मस्त हो गया यार मामला। एक करेक्शन भाई, ये ऑरेंज नहीं है, किनू है। रुको जरा, सबर करो, मेरे को आज तो डिफरेंस समझ नहीं आया। वो मुझे पता है कि ऑरेंज में वो अलग हो जाते हैं इजीली और किनू में नहीं हो पाते। एक और क्विक अपडेट, 20 का नहीं है तो सॉरी 30 का नहीं है ग्लास, 20 का है, और सस्ता है 10 रुपए। अब तो शब्द ही नहीं है हम पे, हम क्या बोले। एंड प्योर यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मन पवित्र हो गया, मन तार तार हो गया यार हमारा। अरे कहना क्या चाहते हो भाई, वाह मजा आ गया। इतना साबित जो कड़वाओ खट्टा तो है। इसे तो ज्ञानी लस्सी, लस्सी वाला चौक बोल के ज्ञानी पंजाबी लस्सी आप आते हो तो भाई इससे बढ़िया लस्सी आपको पूरा अमृतसर में कहीं नहीं मिलेगी। वेरी गुड, इसी बात पे चीयर्स चीयर्स ब्रो। भाई को चाय पीनी थी लस्सी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द ब्लॉग ऑफ ओतेरा के, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी अपन ने चेकआउट करा अपने BNB से, एंड अभी आपको अंकल आंटी से मिलवाते हैं इस ब्लॉग के एंडिंग में। सो अभी फिलहाल अपन जा रहे हैं आपको अमृतसर घुमाने, सो लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो, ये है अमृतसर का हॉल बाजार जो कि पड़ता है ठीक गोल्डन टेंपल के सामने, एंड आप यहाँ से विजिट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जूती, पंजाबी जूती वगैरह हो गई आपकी, बहुत सारी जैसे कि आपका कुल्फियाँ हो गई, पंजाबी जूती हो गई, लस्सी हो गई, सब कुछ है, मतलब सब वैसे लेके मैकडॉनल्ड्स तक सब है, कुछ भी खा सकते हैं। एंड अभी वो सामने है हमारा गोल्डन टेम्पल, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स गोल्डन टेम्पल। आओ दोस्तों हरमिंदर साहिब जी के दर्शन करते हैं साथ साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन करने के लिए। तो भाई बाबा जी के दर्शन हो गए अब हमें, और अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ खाने की चीजें, और शॉपिंग का तो मैंने आपको दिखाई दिया, हॉल मार्केट है। एंड सो उससे पहले कवर करते हैं हम चलिए वाला भाग, लेट्स गो। तो जी जैसे ही आप गोल्डन टेम्पल में दर्शन करते हैं, गोल्डन टेम्पल दर्शन करने के बाद वहां से जलियांवाला बाग है वॉकिंग डिस्टेंस, बट कम से कम
एक किलोमीटर पड़ता है। अगर किसी घुटने में दर्द प्रॉब्लम है तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप जलियांवाला बाग बाय फुट कवर कर सकते हैं। और इसके साथ में राइट साइड पे पड़ता है पार्टीशन म्यूजियम, जो मैं पहले आया था तब ये बन रहा था, अभी तो अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो गया है, स्टार बक्स कॉफी हो गई भाई। पार्टीशन म्यूजियम के ठीक बनने स्टार बक्स दोस्तों, दिस इज पार्टीशन म्यूजियम मेरे पीछे, एंड 10 रुपए इसकी एंट्री फीस है और अंदर शूट करने की परमिशन नहीं होती, तो रिस्पेक्ट करने पड़ते हैं रूल्स। एंड मतलब अगर सभी दिखा देंगे आके अपने व्लॉग्स में तो फिर पार्टीशन म्यूजियम देखने आएगा कौन, तो म्यूजियम्स का तो आपको पता ही यही रहता है। तो आप आए और डेफिनेटली अपनी हिस्ट्री जाने कि पार्टीशन के दौरान क्या हुआ, उससे पहले क्या चल रहा था, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, सब मस्ट कम है। एंड आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो, तो बहुत ईजिली एक्सप्लेन करी गई है फोटोग्राफ्स के जरिए, एंड उसके बाद में पूरा डिपिक्ट किया गया है वो, एंड ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं पार्टीशन के टाइम की, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे एंड दिल भी थोड़ा दुखेगा। अभी अपन चलते हैं जलियांवाला बाग, सॉरी पहले ही इसमें करिए बिकॉज हम लोग गलत आ गए थे, तो वापस जाने का पॉइंट नहीं था, टाइम वेस्ट होता, तो अब चलते हैं सीधा जलियांवाला बाग। चलिए तो गाइस, ये जो बिल्डिंग है मेरे पीछे ये है सरागढ़ी सराय, एंड इस बिल्डिंग का क्या है मतलब, तो ये गोल्डन टेम्पल, पार्टीशन म्यूजियम एंड जलियांवाला बाग उसके सेंटर में पड़ती है बिल्कुल, जैसा आप देख सकते हो। और इस बिल्डिंग से आपको गोल्डन टेम्पल भी दिखता होगा अगर लेफ्ट साइड, अगर ये राइट साइड में है तो बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के क्लोजेस्ट बिल्डिंग जो है रेजिडेंशियल वो ये है। इसको बुक करने का लिंक मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कमरा, ऑल्दो ट्रिकी है, एंड कोई भी चाहे सिख हो चाहे नॉन सिख हो वो आके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। रिसेप्शन से मुझे पता लगा, यही पता लगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई आप लोग कोई भी आके स्टे कर सकते हो। तो गाइस जलियांवाला बाग पहले ही सब कुछ नहीं था, ये फूल वूल बगीचे वगीचे थे नहीं, तो रॉ फील आती थी, बट अभी तो मुझे ऐसा आ रहा है मैं किसी पार्क में टहल रहा हूँ, लखनऊ गए या कानपुर गए। जो लोग पहले जलियांवाला बाग आए होंगे आज से 2-4 साल पहले, तो वो लोग इस जगह की वाइब समझ सकते होंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस जगह में गाने क्यों बज रहे हैं या देशभक्ति के भी गाने क्यों ही बज रहे हैं, क्योंकि यार यहाँ पे ये शहादत वाली जगह है, यहाँ पे बहुत खून खराबा हुआ था। ये फूल पता नहीं यार मैं ये व्लॉग में डालूंगा नहीं डालूंगा, बट द थिंग इज की ये बहुत दुखद जगह है यार हमारे हिंदुस्तानियों के लिए, इसको रॉ रखना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता दोस्तों। आई एम लकी कि मैंने इसको पहले उसकी रॉ स्टेज में देखा है जैसा जलियांवाला बाग था, तो मुझे वाइब नहीं आ रही हूँ। वहाँ पर गोलियों के निशान है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हो, बट अगर आप पहले आगे होते तो आपको बहुत रॉ फॉर्म में देखता जलियांवाला बाग जैसा उस समय था। चलिए खैर लेट्स शो यू गाइस, सो दिस इज द स्मारक है जलियांवाला बाग का, उन लोग की याद में जो लोग की डेथ हुई थी उस दिन बाय जनरल ओडायर, बाय ब्रिटिश आर्मी, तो ब्रिटिश आर्मी ही कहेंगे उनको, पूरी साल है। जैसा आप देख सकते हो ये बुलेट्स के निशान है, उस समय राइफल यूज होती थी, एनफील्ड राइफल्स यूज होती थी, एंड उन राइफल से ये डैमेज होता था गाइस। जलियांवाला बाग मेरा तीसरी बार है आना, एंड यहाँ के ना मतलब मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है, तो मैं अवॉइड ही करता हूँ यहाँ आना। 10-15 मिनट बाद मिलता है यार। तो दोस्तों 1999 सन था, जनरल ओडायर के कहने पे अपने फोर्स भेज के यहाँ पे उन लोगों पे गोलियाँ चलवाई जो बैसाखी के दिन गोल्डन टेम्पल और इस बाग में जलियांवाला बाग में धूप सेकने आए थे, मतलब धूप से बचने छाए में बैठने आए थे। दोस्तों मैक्सिमम बच्चे औरतें बूढ़े मर चुके थे उस समय उस गन फायर में, बिकॉज 303 राइफल्स एंड एनफील्ड राइफल्स वर वेरी पावरफुल। एंड फिर सरदार उधम सिंह जी ने जनरल ओडायर को उनके रेस आगे ठोका, विच आई एम प्राउड ऑफ एंड विल बी टिल माय लास्ट ब्रेथ। बैसाखी के उस पवित्र दिन मिट्टी उन मासूम लोगों के खून से लाल हो गई थी जिनको जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेज सिपाहियों ने गोलियों से भून लिया था। मार्शल लॉ के अत्याचार, गुजरांवाला और लाहौर में अंग्रेजों द्वारा पंजाबियों की हत्या अंग्रेज राज के इतिहास के सबसे काले अध्याय। वहीं दूसरी ओर इन सब ने भारतीयों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा भी दी। राष्ट्रवाद की भावना खत्म होने के बजाय और अधिक सुदृढ़ हुई और पंजाब और भी ताकत से आंदोलन पर उतर आया।
क्रांतिकारी, नौजवान भारत सभा और अन्य राष्ट्रवादी वीरता से आजादी पाने के लिए लड़े। भारतीय तिरंगा 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में फहरा। ये इन बलिदानों के कारण ही है कि आज हम आजाद हैं। तो बाग में पीछे है थिएटर एंड थिएटर में वो लोग बताते हैं बेसिकली क्या क्या हुआ था एंड काफी अच्छा डिपिक्शन है। सुबह आप आके देख सकते हो, 5 मिनट में आपको पूरी स्टोरीज पता लग जाएगी क्या हुआ था एक्चुअली। जिनको पढ़ने का मतलब पढ़ने में दिक्कत होती है या पढ़ना पढ़ा नहीं जाता सो उन लोगों के लिए अच्छा है। बाकी जो थिएटर्स जो यूज़ करते हैं लाइक वो लोग भी आ सकते हैं। तो इट गिव्स यू अ वेरी गुड ग्लिम्स ऑफ दिस प्लेस। सी ये एक मसैकर लैंड है यार, यहाँ पे हत्याएं हुई हैं हमारे भाइयों की, बहनों की, बच्चों की, बूढ़ों की। तो मुझे यहाँ के ना मतलब मेरा तो दिल मतलब बैठ जाता है मेरा दिल। कोई एंट्री फीस नहीं है जलियांवाला बाग की, या फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो। अभी तो काफ़ी हैपनिंग सा कर दिया जो बाग को, विच आई डोंट गेट। तो मेरे हिसाब से तो इसको ऐसे ही रहना चाहिए था जैसे ये था, उसमें इसकी ऑथेंटिसिटी रहती है। अभी ये फ्लोरिंग ऐसा हो गई, यहाँ पे ये लगा दिए गए हैं, वो पूरा बाग को एकदम बाग बना दिया गया, बाग बाग कर दिया। आई डोंट गेट दिस कंसेप्ट बट अथॉरिटी नोज बेटर देन अस, क्या ही कह सकते हैं। तो अभी अपन एग्जिट कर रहे हैं, लेट्स सी यू गाइस। ये पंजाब की पुरानी गलियां अमृतसर की, अमृतसर की गलियों में गाड़ी चलाना ही क्योस 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 बिकॉज बहुत 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 ही ज़्यादा जाना है यार। सुपर बाइक तो ला ही नहीं सकता है पहली बात तो, लेफ्ट लिया से। तो अभी अपन जा रहे हैं पाल द ढाबा, काफ़ी फेमस और रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट देखिए ढाबा है एंड ऑथेंटिक ढाबा है तो मज़ा आएगा। मुझे ऐसा दिखता है पाल ढाबा, ये बहुत फेमस ढाबा है यहाँ पे। तो इसका जो मटन है ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है तो मुझे कुछ खास लगा नहीं। ऑल दो मैं 2 डिश ट्राई करी, 750 बिल था तो ठीक है, मतलब प्राइसिंग वाइज ठीक है बट डिश समझ नहीं आई भाई। बहुत तेज धूप में लग रहा है, फिर काला हो जाऊंगा मैं। तो यार आपको मंदिर दिखाए, आपको गुरुद्वारा दिखाया, आपको म्यूजियम दिखाया, आपको जलियांवाला बाग दिखाया, आपको पाल ढाबा दिखा दिया। अब बारी है अमृतसर का कुछ थोड़ा ग्लैमर दिखाने की। तो ग्लैमर इन सेंस की यहाँ पे मॉल्स भी हैं, मॉल्स हम आपको लेके चलते हैं। एक मॉल है मॉल ऑफ अमृतसर, तो वहाँ पे लेके चलते हैं। मैं बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है मॉल ऑफ एमिरेट्स, चल लो भैया मॉल ऑफ एमिरेट्स, मैं ओला में टाइप कर रहा हूँ मॉल ऑफ एमिरेट्स। तो मॉल ऑफ अमृतसर है एंड लेट्स गो देयर एंड सी कितना बड़ा मॉल है, आपको दिखाते हैं। चलो 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 चलो। तो गाइस यहाँ पे भी आपको आल्डो से लेके अंडर आर्मर से लेके मार्क्स एंड स्पेंसर तक, एरो से लेके स्टेटस क्वो तक सारे शोरूम्स मिल जाएंगे और काफी बड़ा सा मॉल है एंड अब आप मॉल एंजॉय करो। तो गाइस फाइनली अपन ने अमृतसर में बीएनबी बुक करा था एंड बीएनबी कॉस्टेड अस हम दोनों को, अगर भाई का चैनल पता हो तो भाई है डीएनएस ट्रेडर, इसका भी चैनल है यूट्यूब पे, अच्छे कंटेंट बनाता है, आप सब फॉलो कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। सो मैं आपसे कह रहा था हमने अमृतसर में बीएनबी बुक करा था एंड बीएनबी कॉस्टेड बोथ ऑफ अस 2500 रुपीज़, 1250 रुपये 2 रातों का, तो मतलब 650 रुपये के आसपास। क्वाइट डिसेंट बीएनबी और इन अंकल आंटी के साथ मैं पहले भी रुका हुआ हूँ, मतलब दे आर वेरी गुड इन नेचर, तो अभी उनसे मिलवाते हैं बट आपको पहले रूम टूर दे देते हैं। तो चलो ये एरिया भी आप एक्सेस कर सकते हो गाइस, दिस इज द लिविंग एरिया, डाइनिंग एंड लिविंग एरिया। तो ये है हमारा वॉशरूम, तो वॉशरूम पहले वॉशरूम दिखा देते हैं। तो नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है ये अपन। ये है हमारा बेडरूम। अच्छा अगर आप 3 जने भी आ रहे हो तो भी आप मतलब रुक सकते हो यहाँ पे। तो 3 जनों के अगर 600 रुपये और 650 दो दिन का दिखाई जाए तो और कम हो जाएंगे, इट विल कम अराउंड 400 रुपीज पर पर्सन। तो 400 रुपये के लिए इसमें पंखा भी है आपका, AC भी है आपका, 2 चेयर्स हैं, क्वाइट अ डिसेंट रूम और काफ़ी बड़ा सा कमरा है। दिस इज इट, सो दिस इज द बीएनबी ऑफ आवर्स इन अमृतसर। तो आई होप आपको अच्छा लगा। तो गाइज ये रहे हमारे प्यारे से अंकल आंटी, ये ओन करते हैं ये बीएनबी एंड अंकल पहले तो आप बस ये एड्रेस बता दीजिए यहाँ पे जो आना चाहे। ओके गार्डन एंड क्लेव 1430001। और अगला आपका फोन नंबर 7986442072। सो ये बहुत मतलब बहुत अमेजिंग लोग हैं, आज जब आप इनसे मिलोगे तो आपको पता लगेगा कितने प्यारे हैं एंड मेरे तो कह रहे हैं ऐसे पेरेंट्स हैं। मैं पहले भी रुक चुका हूँ अंकल आंटी के साथ 2018 में दिसंबर में जब मैं फर्स्ट टाइम अमृतसर आया था, सो इट्स माय थर्ड टाइम आई गेस, या इट्स माय थर्ड टाइम कि मैं आज अमृतसर आ रहा हूँ और तीसरी बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ अंकल आंटी को मिलने का। सो दैट्स इट गाइस, अगर आप बीएनबी बुक करो तो आपको वो रहा रूम
जो मैंने आपको अभी दिखाया। एंड आप ये एरिया भी एक्सेस कर सकते हो अगर आप करना चाहो अपने काम के लिए, तो मैं तो फुल एक्सेस किया तो मेरे तो इट्स लाइक हाउस। हाँ जी, अच्छा एक और रूम है। अच्छा तीनों रूम देते हो आप, ओके। तो मुझे पता नहीं था 13-14 लोग एट वन गो रह सकते हैं अंकल आंटी के पास, अंकल आंटी अकोमोडेट कर सकते हैं 13-14 लोगों को। एंड अगर आप 13-14 लेते हैं तो वो तो कॉस्टिंग आपकी और भी कम आएगी, आई थिंक 300-400 पर हेड, 300-400-500 रुपये पर हेड आ जाएगी। तो भी वो भी काफ़ी मतलब काफ़ी इकोनॉमिकल है अगर 14-15 लोग रह रहे हैं। एंड घर की वाइब है, स्पेस बहुत अच्छा है, दो गाड़ी आराम से पार्क हो जाएंगी। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी अंकल आंटी प्रोवाइड करते हैं, दे आर वेरी स्वीट। जब आप आओगे तब आपको पता लगेगा मैं कैसी बात कर रहा हूँ। सो मस्ट कम, ओके दिस द किचन। चलो अब मिलते हैं यार, जीजू वेट कर रहे हैं। एंड ये है गोल्डन टेम्पल का रात का नजारा। ये लौंडा रात को ड्राइव करने से डरता है, मतलब कहता है कि मिस हैपनिंग वगैरह हो जाती है सब। तो मैंने कहा चल ठीक है, तो आज कहता है आज तो दर्शन हो गए मुझे, आज शमशान घाट बिठा दो, कहीं बिठा दो, कोई टेंशन नहीं। मैंने कहा अच्छा तुम्हारी पटी पड़ी है कल को लेके, तो आज तो भाई ऐसा है तो सुबह सुबह 8 बजे ना दर्शन करके चलेंगे बाबा जी, ताकि उसकी पॉजिटिविटी बनी रहे। नाइट राइड नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा नाइट राइड, मैं नहीं नाइट राइडर, मैं बाइक राइडर, आई एम नॉट अ बाइक राइडर। नहीं नहीं तो कल तुम दर्शन के लिए फिर तुम्हारी पॉजिटिविटी आ जाएगी। ये भी है दोबारा पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, थैंक्स फॉर मेकिंग इट पार्ट ऑफ द डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट्स सॉर्ट ऑफ साइनिंग आउट, गुड नाइट, बाय बाय, आई लव यू। अच्छा